हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आज मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली हमारे जिम में या जनरेशन में बात फैल रखी है। तो एक फैट परसेंटेज और दूसरा है बेली फैट। क्यों हम इन सब चीज़ों से परेशान हैं और इनका क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम इतना फाइट करते हैं जिम में, इतना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन तब भी ये चीज़ें कम नहीं हो रही है और रेगुलर बढ़ती जा रही है डे टू डे हमारी लाइफ में। तो हम कैसे इन सब चीज़ों में कंट्रोल लगाएं जिससे कि ये चीज़ें हमारे पास ना आए। तो इन सब चीज़ों का एक ही तरीका है, वो जो मैं 10 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो वो 10 चीज़ें आप जानिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं। तो पहली चीज़ आपको मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि बेली फैट, कार्डियो वर्कआउट और क्रंचेस, रिवर्स क्रंचेस, लेग रेजेस, इन सब से बेली फैट रिमूव नहीं होता है। तो ये पहली जो आपकी सोच में बैठा हुआ है कि आप ये सब चीज़ें करके कर लेंगे, तो भूल जाइए। ये चीज़ें आप इन सब से बेली फैट को रिमूव बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप सोच रही है फैट लॉस करना चाहते हैं अपनी बॉडी का या पर्टिकुलर जगह का, तो आप पर्टिकुलर जगह का फैट लॉस कभी जीवन में नहीं कर सकते। ये हकीकत है, आज मान लीजिए इस बात को। फैट लॉस पूरी बॉडी में होगा प्रोसेस, नहीं तो एक जगह का फैट लॉस होना मुश्किल है। किसी पर्टिकुलर जगह का फैट लॉस नहीं कर सकते। और थर्ड पॉइंट, कार्डियो वर्कआउट आपके विजिबिलिटी एप्स को नहीं ला सकता, विजिबिलिटी नहीं दे सकता आपको। आप कुछ भी कर लीजिए, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करिए कि आप सोच रहे हैं कार्डियो से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सरल सर गलत सोच है आपकी और इन सब भ्रम से बाहर आ जाइए, क्योंकि ये बिगनर्स है और ये बिगनर की ही चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग के अराउंड में अपने आप आ जाती हैं, हम इसे कहीं से लाते नहीं है। ये चीज़ें हैं, कॉमन है, तो इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो फोर्थ पॉइंट के साथ चलते हैं। कुछ लोग हैं जो जिम में जाते हैं, 5 kg से स्टार्ट करते हैं वर्कआउट अपना, सोचते हैं मसल बिल्ड करेंगे, वो 5 kg का 12 रेपिटेशन करते हैं रोज, सेट लगाते हैं अच्छे, वर्कआउट अच्छा करते हैं, लेकिन तब भी उनका मसल गेन नहीं हो रहा है वहाँ पे, और बेली फैट भी रिमूव नहीं हो रहा है उससे। क्या रीज़न है जो नहीं हो रहा है? रीज़न ये है कि मतलब अभी आप उस टाइम तक 5 kg से सेट लगा रहे थे, फिर आपको थोड़ा सा चेंज दिखा उससे और उसने क्या किया उन चीज़ों को, उसने 12 का रेपिटेशन 16 में कन्वर्ट किया और वो 16 के रेपिटेशन को चलाने लगा। तो ये सरासर गलत है। तो आपको वहाँ पे 5 kg के डंबल से अगर आप 12 का सेट निकाल रहे थे, तो अगर आपको अच्छा करना था तो आपको रेपिटेशन की बजाय अपना वेट को चेंज करना था। आपको 5 kg की बजाय 7 kg का वेट लेना था, तब आपकी मसल वहाँ पे बिल्ड हो सकती थी। चलिए चलते हैं फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि आपने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो बोलते हैं या प्रमोशन करते हैं कोई भी चीज़ का, प्रोडक्ट का या जो भी चीज़ है, मैं किसी का पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर वो प्रमोशन कर रहे हैं फैट बर्नर का, या ये खाइए वो खाइए, उससे फैट विजिबल होगा, इससे फैट विजिबल होगा, तो वो भी एकदम गलत है। आप उन सब चीज़ों पर बिल्कुल मत जाइए। तो वो चीज़ों से आप अपना फैट लॉस नहीं कर सकते हैं और ना ही अपने लोअर एब्स के लिए अपने लोअर फैट को या ऑब्लिक फैट को रिमूव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको उन सब चीज़ों की पेमेंट मिल रही है और वो सिर्फ प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, सिर्फ ऐड है वो टाइप का ना। 6th पॉइंट हमारा ये है कि हमें ऐसा क्या करना है अब जिससे हम अपने फैट लॉस या हमारे लोअर एब्स लोअर फैट को हम रिमूव कर सके। तो उसके लिए आपको अपने कंट्रोल करना पड़ेगा खाने पे। खाने पे कैसे? क्योंकि हम लिमिटलेस कैलोरीज कंटेन कर रहे हैं अपनी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा फैट और ये एब्स विजिबिलिटी नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी कैलोरीज को डिफिशिएंट मोड में ले जाना पड़ेगा, मतलब बॉडी के हिसाब से ही आपको कैलोरीज लेनी पड़ेगी खाने से। आप क्या हैं कि आप हद से ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं डे टू डे लाइफ में, इस वजह से आपका लोअर फैट बिल्कुल नहीं हट रहा है। 7th पॉइंट हमारा ये है कि अभी यूट्यूब में और प्ले स्टोर में, वीडियोस में, हर जगह आपको बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। आप जो भी चीज़ें ले रहे हैं उसको काउंट करें, कितने ग्राम का है, उसमें कितनी कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, ये चीज़ें सारी चीज़ें आप उसमें डालें, उसके बाद ही खाएं। 8th पॉइंट की साइड जो हमारा है रनिंग। कई को मतलब डाउट है या उनको लगता है ऐसा कि हम लोग रनिंग करेंगे तो हमारा फैट लॉस होगा, एक्सेप्टेबल है,
लेकिन फैट लॉस सिर्फ कितना होगा, सिर्फ कुछ परसेंट तक का आपका फैट लॉस होने वाला, बहुत ज्यादा फैट लॉस उससे नहीं होने वाला है। आप एक टाइम में अपने आप से थक जाएंगे कर करके, लेकिन वो चीजें नहीं होंगी। तो उसके लिए आपको रनिंग एक अच्छा वर्कआउट है, फुल बॉडी वर्कआउट है, कंपाउंड वर्कआउट है, लेकिन उससे आप फैट लॉस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी आपको अपनी कैलोरीज को डिफिशिएंट मोड में ले जाना पड़ेगा, और फैट परसेंटेज को कम करना है तो खाने में कंट्रोल लगाना पड़ेगा। आपको अपनी मसल गेन भी करनी है, फैट लॉस भी रिमूव करना है, बेली फैट भी हटाना है, ये तीनों चीज़ों को मेंटेन करके रखना है। तो सबसे ज़्यादा क्या हेल्प करेगा आपकी बॉडी में, वर्कआउट के साथ आपको अपनी बॉडी में प्रोटीन का इनटेक ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोटीन आपको सबसे ज़्यादा लेना पड़ेगा अपनी बॉडी में। प्रोटीन सबसे ज़्यादा लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या फॉलो करें जिससे कि हमारी बॉडी की पता चल जाए कि हमारे को अब इतना ही प्रोटीन गेन करना है। बॉडी का आपका जितना वेट है उस हिसाब से ही उतने ग्राम प्रोटीन पर डे आपको कंटेन करना है। अगर मसल गेनिंग का फर्स्ट लास्ट एंड फर्स्ट पॉइंट यही है कि कुछ लोग जिम में जाते हैं, 5 kg का डंबल लेते हैं, वहाँ पे वो रेपिटेशन लगाते हैं, 10 kg करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती, उनको मसल गेन नहीं मिलता है। क्यों? रीज़न है, गुड क्वालिटी ऑफ फूड नहीं लेते हैं, वो चीप क्वालिटी ले रहे हैं, लेकिन प्रोटीन उसमें भी है लेकिन वो चीप है। तो चीज़ें क्या है, अगर आपको कंटेन करना है अच्छी मसल, तो आपको क्या है, वर्कआउट इंटेंसिटी हाई रखनी पड़ेगी और गुड क्वालिटी ऑफ फूड यूज करना पड़ेगा। तो ये थी वो 10 चीजें जो आपको अपने बेली फैट, फैट लॉस और मसल गेनिंग में हेल्प करने में आपकी मदद करेंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन पुल अप करता है, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोज का नोटिफिकेशन दे सकता हूँ। और यही सब चीजें हैं, एक क्रिएटर अपनी सारी नॉलेज निकाल के आपके सामने रखता है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो भी चैनल में नया है उस मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और जो भी नया है और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो का अपडेट आए तो मिलेगा सबसे पहले आपको उस चीज़ का। और साइड में इंस्टाग्राम पॉपअप हो रहा है इस साइड, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पुट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर DM करें मुझे वहाँ पे, तो मैं आपको वहाँ पे भी बता दूंगा। तो ऐसे ही कनेक्ट रहिए। Love you guys, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।